एसएसजे के न्यूज में आपका स्वागत है। यह चैनल सत्य समाधान ज्योतिष कार्यालय से संचालित है। ज्योतिष एवं दैविक संकेत अनुसार प्राप्त ज्ञान के आधार पर राष्ट्र जन कल्याण करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस चैनल के माध्यम सुखद जीवन प्राप्ति से संबंधित विविध प्रश्नोत्तरी सहित समस्याओं का समाधान प्राप्त कर आप लाभान्वित हो सकते हैं। यदि कोई मनमानी करके संकटग्रस्त होता है तो इसकी जवाबदेही हमारी नहीं है, अतः मानव धर्म को अपनाएं और हमारी मदद करें तो अच्छा है। एक प्रश्न है, सरिता वर्मा मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से सरिता वर्मा जी का प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप लोग भी सुन लीजिए, सब सुन लीजिए। इनका प्रश्न है कि पंडित जी, गोत्र क्या होता है? जब जब मैं पूजन करने बैठती हूँ, प्राय पति मेरे साथ नहीं बैठते हैं, तो पंडित जी पूछते हैं कि आपका गोत्र क्या है। हाय, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न अच्छा है। गोत्र क्या है, गोत्र किसे कहते हैं, हमें पता नहीं है। तो आप बहन जी या माता जी जो भी हैं, उम्र तो मैं जान नहीं रहा हूं, आप बहन हो सकती हैं, माता जी हो सकती हैं। माता जी तो इसलिए नहीं हो सकती हैं कि वो बुजुर्ग होंगे तो उनको ज्ञात होगा। तो सबसे पहले आप यह जानें कि गोत्र होता क्या है, गोत्र कहते किसको हैं, और आपका गोत्र क्या है, इसका मैं मार्ग बतला दूंगा। गोत्र उसे कहते हैं जिस ऋषि के आप वंशज हैं। सृष्टि जो हुआ ना, तो जब मैथुनी सृष्टि का आदेश हुआ ब्रह्मा से जीवों को, तो उसमें सबसे पहले ऋषि के रूप में जीव को उत्पन्न किया गया। ये मैं मानव सृष्टि के बारे में बोल रहा हूं, ये तो आदि सृष्टि में सबसे पहले जलीय जीव आए, जलाया वगैरह वगैरह, वो छोड़िए उस बात को। तो मानव का जो पूर्वज हुए, जैसे आप हैं, आपके पिताजी, पुनः उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, सब ऊपर चलते जाइए। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ, तो शुरू हमारी सृष्टि शुरू हुई है ऋषि से। तो जिस ऋषि के आप वंशज हैं, वही नाम आपका गोत्र हुआ। जैसे ऋषि में भारद्वाज ऋषि, गर्ग ऋषि, वत्स ऋषि, वत्स ऋषि, कश्यप ऋषि इत्यादि इत्यादि, भार्गव ऋषि, बहुत से सब ऋषि लोग हैं, तो उनके वे वंशज हुए। तो सबसे पहले ये तो आप समझ गए ना कि जिस ऋषि के आप वंशज हैं, उसी ऋषि का नाम आपका गोत्र हुआ। अब आप किस गोत्र के हैं, तो यह तो समाज में जो जाति का विभाजन विद्वानों ने किया है, उस जाति के आधार पर पकड़ की जा सकती है। ध्यान रहे कि अगर किसी को अपना गोत्र ज्ञात न हो, सबसे पहले तो अपने घर के बुजुर्गों से पूछना होता है कि हम किस गोत्र में आते हैं। यदि वे भी नहीं बतलाए, तो आप आंख मुंद करके अपना गोत्र कश्यप कह दें। इसी को काशी गोत्र भी लोग कहते हैं। ऐसा मैं सलाह क्यों दे रहा हूं, इसलिए कि कश्यप ऋषि ही एक ऐसे ऋषि हुए जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको उत्पन्न किए हैं, सबको। ब्राह्मणों का भी गोत्र कश्यप होता है, क्षत्रिय का भी कश्यप होता है, वैश्यों का भी कश्यप गोत्र होता है, और शूद्रों का भी गोत्र कश्यप होता है। तो इसलिए आप अपना गोत्र कश्यप मान लेंगे, पहले तो आपको पूछना है, अपने घर के जो श्रेष्ठ जन है, बुजुर्ग हैं, उनसे पूछ ले, अन्यथा आप कश्यप गोत्र अपना मान लेंगे। कश्यप ऋषि के वंशज आप हो सकते हैं। कश्यप ऋषि के पुत्र तो भगवान सूर्य भी हैं, कश्यप नंदन कहा जाता है। तो गोत्र का मतलब क्या हुआ,
आप जिस ऋषि के वंशज हैं उस ऋषि का नाम आपका गोत्र होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो आप जो भी शुभ कर्म करते हैं अपना नाम और गोत्र पूजन पाठ योग जप तप अनुष्ठान में संकल्प के लिए उच्चारण किया जाता है, क्योंकि कलयुग में कोई भी पूजन बिना संकल्प का जो किया जाता है वो फलदायी नहीं होता है। इसलिए आपके आचार्य पुरोहित पंडित जी जो पूजन कराने आते हैं आपका गोत्र और नाम का उच्चारण करवाते हैं, यही सच्चाई है। तो आशा है कि आप संतुष्ट हुए होंगे। यदि संतुष्ट न हुए होंगे तो आप पुनः विभाग को सत्य समाधान ज्योतिष कार्यालय को व्हाट्सएप से अवगत कराएंगे अपना पूरा प्रश्न, तो और उत्तर दिया जाएगा। तो आइए अब अगले प्रश्न पर विचार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि